अबू भला ये क्या बात हुई? इस तरह से असेंबली में सब बच्चों के सामने ऐलान करने की क्या जरूरत थी? बच्चों की अना मजरू होती है, फीस ही थी ना, दे देते हम। कल जाऊंगी, प्रिंसिपल साहिबा से खुद बात करूंगी। उमर रो रहा है इतनी बुरी तरह से। अरे नहीं यमुना, ऐसा नहीं करना। अगर प्रिंसिपल साहिबा नाराज हो गई तो बच्चों को बाहर खड़ा कर देंगी। फीस देने के लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं। नए स्कूल की एडमिशन फीस के लिए पैसे, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या सोच रही हो? अबू बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं। बैंक में तो नहीं, मेरे पास सक में थोड़े बहुत पैसे, हो सकता है उनसे बच्चों की फीस अदा की जा सके। फीस तो दी जाएगी, कल बिजली का बिल आ जाएगा, कब तक चलेगा? वो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। आप बस मुझे जॉब करने की इजाजत दे दो और कल मैं प्रिंसिपल साहिबा के पास जरूर जाऊंगी और ऐसा करूंगी कि अपनी सीवी भी साथ ले जाती हूँ। वापसी पर दो चार जगहों पर देख आऊंगी, हो सकता है कि किसी अच्छी जॉब की ऑफर आ जाए। मैं उमर को देखती हूँ, अभी तक रो रहा है। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। देखिए साहब, कहिए तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके खिलाफ शिकायत भी शेयर की गई है मसूद साहब की तरफ से, आपको उसका पता तो होगा जी। मुझे मालूम है, लेकिन सर मुझे ये भी पता चला है कि मसूद साहब अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर गए। क्या ही मुनासिब होता कि अगर उनके आने तक इंतजार कर लिया जाता। क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब, उसका फैसला तो कानून के तहत ही होगा। आपको इसलिए बुलाया था कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक आपको मुअत्तल किया जाता है। सर मुअत्तल? मेरी बात सुनिए सर, मुअत्तल कैसे? मैंने हाँ मुअत्तल सिद्दीकी साहब, अगर चार्जेस मामूली नवैयत के होते तो शायद मैं कुछ कर सकता, लेकिन इंक्वायरी बहुत ऊपर से हो रही है, मेरे बस की बात नहीं है। इसमें क्या किया जा सकता है ये तो आप पता ही है। सर मेरी 28 साल की सर्विस है और मेरी 28 साल की सर्विस में एक भी बदनमानी की शिकायत नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तो आपको वक्त दिया जा रहा है। आपस की बात है सिद्दीकी साहब, आपने काम बहुत कम में कर दिया। तभी मैंने ये रकम भी वापस कर दी। तो क्या मैं इसे आपका कन्फेशन तस्लीम कर लूं? आप अफसर हैं, आपकी मर्जी पर मुनसर है, आप जो चाहे रंग दे दें इसे, लेकिन मुझे अपना इत्तेफाक करने का वक्त तो दे। वक्त ही दे रहे हैं सिद्दीकी साहब, ये लेटर हमने आपको भेजा था लेकिन शायद आपको मिला नहीं। सिद्दीकी साहब, इंक्वायरी इतनी ऊपर से हो रही है कि मजबूरी है, ऊपर वालों के भी तो अहकाम मानने पड़ते हैं, वरना बात यह कि हमारे आपके पुराने ताल्लुकात थे इसमें देखा जाता, लेकिन अब मजबूरी है, हमने भी नौकरी करनी है और ऊपर वालों के अहकाम मानने हैं, है सिद्दीकी साहब, वरना कुछ ना कुछ मैं आपके लिए करता।
बेचारा है शरीफ आदमी। अरे वाह वाह, क्या सूट है, है रुकैया, क्या कपड़ा है। वो बाकी का कपड़ा संभाल लेना अंशिला, वो नए बंगले में शिफ्ट होने से पहले सिलवाएंगे। अरे वाह, देख मेरी बहू की चॉइस, वाह, जीती रहो, सलामत रहो। क्या क्या चॉइस है मेरी बेटी की, मेरी बहू की, ये देखो। वाओ, जबरदस्त। अच्छा तुम क्यों हंस रही हो ऐसी, मैंने कौन सी बात कह दी है? आपने बहू कह दिया है नौशाबा को। हाँ तो क्यों ना कहूँ भाई, एक ना एक दिन वो तुम बहू बनना है उसने, और थोड़े दिन की बात है, फिर क्यों ना कहूँ। अरे जीती रहो, जिंदाबाद मेरी बहू, क्या चॉइस है उसकी। अच्छा वो जो बाकी का कपड़ा है ना अंशिला, वो हम नए घर में बंगले में शिफ्ट होने से पहले सिलवाएंगे। भाई अपना अब हमें यहाँ से इस मोहल्ले से निकालोगे, अब मैं ये कपड़े पहन के तो इस मोहल्ले में से नहीं गुजरूंगा ना। ये देखो ये रेशम जैसे कपड़े हैं और ये गंदी गली, क्या मैं इस गली में से गुजर सकूंगा रुकैया? बिल्कुल नहीं। बजाना फिक्र ना करें, बहुत जल्द बंगले का इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप बाकी ये कपड़े तो सिलवा लें। अच्छा नहीं, बाकी कपड़े सिलवाने का बंदोबस्त हो जाएगा ना बंगले का। सही। बस ठीक है, लेकिन मुझे पहले बताना है तुमने। हाँ हाँ, पहले बता दूं कि मैंने सलीम किराने वाले के पास कई घंटे बैठना है। क्यों भाई, क्या आपको लोगों से वह सलामियां वसूल करनी? पागल हो गई हो, इस मोहल्ले से निकले तो कोई जरा शान और शौकत से तो निकले ना अपने बंगले की तरफ, और उसके लिए लिबास बड़ा जरूरी है। लिबास से ही इंसान का पता चलता है कि वो बंगले में रह रहा है या खुड्डे में रह रहा है, ठीक है ना। अब देखो ना, मोहल्ले के सारे लोगों ने को बंगला देखने थोड़ी जाना है, पोशाक से ही उनको अंदाजा होगा कि कावर साहब किधर को जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। आप रो रहे हैं अबू? नहीं, अब्बू मैं आपकी बेटी नहीं बेटा बनकर दिखाऊंगी। आप ऐसे परेशान हो रहे, और वैसे भी मैं जॉब तलाश करने जा रही हूँ, किसी महाजिर जंग पर नहीं जा रही। बस आप दुआ करें कि मुझे अच्छे से जॉब मिल जाए। आमीन। वो मैं पूछ रहे थे कि बिजली का बिल कहाँ रखा आपने? यही कहीं सब दिया होगा मैंने, तरास में तो नहीं रखा। कितने का है? 5,000। 2,000 तो रखे मेरे पास। आप क्यों फिक्र कर रहे, कुछ पैसे रखे हैं मेरे पास, मैं ये बिल जमा करा दूंगी, और आप परेशान मत हुआ करें, ठीक है? ये चाय पी लीजिएगा। भाई रुकैया बेगम, अब ले भी आओ
बिरयानी की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं। लो तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना। लो ना आप लेना पहले आप ले। बस बस मुझे भूख नहीं। भाई अपने नए दफ्तर की कोई बात तो बताओ। हाँ बहुत मजा आ रहा है मम्मी। अच्छा बॉस तो मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं और ऐसे भरोसा करते हैं जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। इसका मतलब है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। है? तो क्यों नहीं करेंगे मेरा बेटा जो हुआ। बिल्कुल हेलो हेलो क्या कर रहे थे आप? बस बिरयानी खाने वाला था। अच्छा तो तुम एक काम करो पहले खाना खा लो मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं मुझे वैसे भी कौन सा भूख लग रही थी। अम्मी अब्बू ने कहा तो मैंने कहा साथ बैठ जाता। तो फिर पहले मुझे मुबारकबाद दो। मुबारकबाद? अच्छा पहले बताओ किस चीज की? डैडी ने मुझे घर गिफ्ट किया है। गिफ्ट में घर मिला है तुम्हें? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अच्छा कहाँ पे घर? अगर कभी मुझे आना हो तो। अच्छा कभी आना हुआ तो 1000 यार्ड का है फेज 8 पे। फेज 8 में? मुझे वो इलाका बहुत पसंद है। साफ सुथरा सरीन खामोश बहुत खूबसूरत इलाका है मुझे तो बहुत पसंद है। तो मुझे ये बताओ किसी दिन फ्री हो तो मैं तुम्हें वो घर दिखाना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर रात का खाना तुम ही खिला रहे हो ना? डन है। ओके सी यू बाय। सी यू बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई है मेरी बेटी है? गर्मी भी बाहर है बहुत ज्यादा है। तुम बैठो मैं पानी लेके आया। नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए आप प्लीज बैठे यहाँ पे। नहीं चाहिए पानी प्यास नहीं लगी आप बैठे। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठ रहा हूँ। कुछ बात बनी बेटा? नहीं अब्बू मैं स्कूल गई थी लेकिन सारी वैकेंसीज फुल थी। अजीब बात है अब मुझे तो यूं लग रहा है जैसे कोई गवर्नमेंट का स्कूल हो जबकि तुमने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जी अब्बू लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या क्या नहीं चल सकता युन्ना? देखो कोई ऐसी बात ना कर देना कि मैं हल्का रो के रह जाऊं। आप तो खामखा ही परेशान हो जाते। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से जॉब का मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं सोची थी किसी हेड हंटिंग फर्म में जाऊं। हो सकता है कि वो जॉब ढूंढने में मेरी मदद करे। कह तो ठीक रही हो। हाँ फिक्र ना करें अब्बू मैं जरा फ्रेश हो जाऊं फिर चाय बनाती हूँ अच्छे से ठीक है फिर ढूंढ भी लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे? हेड हंटिंग फर्म अब्बू। अच्छा दम ही निकल गया मेरा। क्या ढूंढने को कह रही लड़की है। आती हूँ अभी। सुना आपने किसी घर की बात हो रही थी डिफेंस में? घर पर फ्लैट नहीं मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। तो शेख साहब भी तो करोड़ों में एक है वरना कौन इस तरह करता है। वैसे रुकैया बेगम मेरा बड़ा अरमान था कि मैं तुम्हारे लिए कोई छोटा सा खूबसूरत सा घर बनाऊं। अगर क्या करूं इस बीमारी ने मुझे कहीं का रखा ही नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं बनाया, हमारे बेटे का घर बन गया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है, लेकिन हमारी बहू भी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। ये खूबसूरत साड़ी लेके आई वो, उसकी चॉइस मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा है मैं मंगनी पे वही साड़ी पहनूंगी। और मैंने भी यही सोचा है कि मैं वो वेस्टकोट तभी पहनूंगा। डिफेंस में घर का मतलब तुम्हें मालूम है क्या है? क्या मतलब? 500 गज के घर की कीमत कम से कम 4-5 करोड़ तो होती है। अच्छा? हाँ। बस नए घर में शिफ्ट होते ही जो पहला काम करेंगे ना, तो एक बड़ी जबरदस्त दावत करेंगे हमारी दोस्तों की। हाँ और क्या, कोई सारी जिंदगी उनकी कामयाबियां हम देखते रहे हैं, अब उनको अपनी कामयाबी नहीं दिखाएंगे? आप भी ना खावर साहब, अभी बात हुई नहीं, आपको तो ख्वाब भी आने लग गए। अरे सुना नहीं? क्या वो क्या कह रहा था यार? वो कह रहा था कि शेख साहब ने डिफेंस में एक मकान खरीदा है नौशाबा के लिए, उसकी पसंद का। अच्छा, तो फिर अयाज को क्यों शामिल किया उस फैसले में? तो क्या दे, कभी कभी तो तुम बहुत ही फजूल बात करती हो भाई। अभी अयाज की कोई और नौशाबा की बाकायदा मंगनी की रस्म कोई हुई है? अगर रस्म ही नहीं हुई तो वो उसे अपने फैसले में कैसे शामिल कर लेते, बताओ? हाँ ठीक है, मैं भी बस इंतजार कर रही हूँ कब आएंगे शेख साहब अपने सवाल लेकर। हाँ, और वैसे भी ये जो बाकी का जो फालतू सामान है ना हमारे घर का, मेरे ख्याल हम ये भी फेंक देंगे, शिफ्ट होने से पहले फेंक देंगे। फेंक देंगे खावर साहब, फालतू सामान भी फेंक देंगे, पहले नए घर में तो चले जाएं। अरे कह दिया है शेख साहब ने, जब नौशाबा के लिए घर खरीदा है तो जाहिर है हमें शिफ्ट होना है वहाँ। चलो गाना खाए, वो तो अपना गाना भी छोड़ के चला गया। अरे खुशी बहुत है। हाँ ये भी है। So tell me about yourself, Prerna. मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इससे पहले कहीं जॉब नहीं की, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ रही है। That's great. आपके पर HR वाले ने मुझे सही CV रिकमेंड किया है। इसका मतलब है आपको पसंद आई? पसंद? बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे पता है घर में कमाने वाला ना हो तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? जी ऐसा ही है। अच्छा तो तुम्हारी महाना तनख्वाह 35,000 रुपीज़, अकाउंट्स वालों से बात करके तुम्हें 30,000 एडवांस दिलवा देती हूँ ताकि तुम छोटी मोटी परेशानियों से आज़ाद होकर काम कर सको। थैंक यू सो मच। अरे अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर हम सब फैमिली की तरह ही तो काम करते हैं। जा रहे हो? हाँ मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूँ और कल मैं आगे एबटाबाद चला जाऊँगा। मेरा कोर्स मेट है ना हाशिम, उसकी पोस्टिंग वहीं पे हो चुकी है, तो उसने फ़ोन किया था कि कुछ छुट्टी वुट्टी लेके आ जाओ, मैंने सोचा मुझे भी ब्रेक चाहिए, चला जाता हूँ। हाँ अच्छा आइडिया है, अच्छा चेंज रहेगा तुम्हारे लिए, यू शुड गो। 2-3 दिन का है ना? शायद 3-4-5 दिन। दवाई रख ली है? नहीं मैं जहन से निकल गया था, लेकिन मैं वो सेल फोन में है प्रिस्क्रिप्शन तो मैं ले लूँगा। वापस आओगे ना तो विल गो टू द डॉक्टर अगेन, तुम्हारा दोबारा चेकअप होना चाहिए, मैं साथ चलूँगी। ओके थैंक यू। हो सके तो कुछ वक्त रोहेल के साथ गुजार लेना, मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है।
ओके, मगर वो लड़का घर पे कब होता है? हर वक्त अपने म्यूजिक के सिलसिले में बाहर। वैसे भी आज रात वो दुबई जा रहा है, याद है जिस कंपनी से उसकी बात चल रही थी, उनसे अग्रीमेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए जा रहा है। दुबई जा रहा है और मुझे किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। चलो ओके, गुड फाइन, ओके देन, चलता हूँ, देर हो रही, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब ये मत कह देना कि तुम बहुत मसरूफ हो। हाँ मसरूफ तो हूँ। तो वक्त मिल ही गया जनाब आपको? अच्छा मुझे वक्त मिल गया, फोन देखा तुमने अपना? कितनी कॉल्स किए मैंने आज, जिसे तुमने उठाई नहीं, और जिनमें फोन पिक किया है वो बोल दिया कि मसरूफ हो। अच्छा छोड़ो भी यमुना, देखो बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब कुछ तो करना पड़ता है ना। अच्छा तो इसका मतलब है कि अपने चाहने वालों को मसरूफ दिखाया जाए। अब लफ्जों की जंग में मैं तुमसे जीत नहीं सकता। अयाज बेहतर मुस्तकबिल तो हम दोनों ने मिलकर बनाना था ना, लेकिन तुमने मुझे तो पहले ही अकेला छोड़ दिया। जब से अम्मी गई है उसके बाद से तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। वो यमुना मसरूफ हो? नहीं नहीं नहीं, कहो। ऐसा लग रहा है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। खैर मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। ज़रूरी बात? हाँ बोलो। यही कि मुझे जॉब मिल गई है GR की। गेस्ट रिलेशंस की जॉब? लेकिन यमुना ये तो मेरा मतलब है। हाँ हाँ अच्छी जॉब नहीं है, यही बोलोगे ना? हाँ और क्या यार। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे अच्छी से जॉब दिला दो, किसी जगह पर ब्रांड मैनेजर बना। मुझे थोड़ा टाइम दो यमुना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बोला भी है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द। अयाज जल्दी का क्या मतलब, तुम जानते हो बिजली का बिल आया हुआ है। और वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से दी है, उमर और राहा की फीस तक नहीं गई, सबके सामने प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें डांटा है। देखो यमुना मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, ठीक है? मैं रात को तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर हम बात करते हैं। हेलो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, मैंने सोचा था मैं बता दूँ। बहुत अच्छा किया बता दिया। कैसी थी फ्लाइट? फ्लाइट ठीक थी, स्मूथ। रोहेल का क्या सीन है, निकल गया एयरपोर्ट के लिए? नहीं बस थोड़ी देर में निकलने वाला है, फाइनल पैकिंग कर रहा है। और वापसी का क्या कह रहा है? 2 दिन का कह रहा था। अकेला जा रहा है या नूर भी जा रही है साथ? नूर का क्या काम है, अकेला जा रहा है। हाँ नूर का क्या काम। अच्छा वो आए तो प्लीज उससे बात जरूर कर लेना, और तुम ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। यार आई एम सो हैप्पी कि तुम इस डील की वजह से दुबई जा रहे हो, काश मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती, लेकिन देखो वहाँ जाके किसी छोटी सी बात पे गुस्सा मत हो जाना प्लीज। यार अब मैं गुस्सा नहीं होता क्योंकि मामला मेरी जात का नहीं, मामला बच्चों के फंड्स का है, क्योंकि मेरे सामने अब उनकी मुस्कुराते हुए चेहरे रहे। जब हमने प्रिंसिपल को 50 लाख के डोनेशन के बारे में बताया था तो तुमने उनके एक्सप्रेशंस देखे थे? बहुत खुश थे। हाँ और तुम्हें पता है ना अल्लाह को ऐसी कुर्बानी बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें क्यों मिस करूँ। हाँ मुझे क्यों मिस करूँ, वही तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे क्यों मिस करो। तुम मुझे इसलिए मिस करो क्योंकि मैं तुम्हें रहता हूँ, और जब एक किराएदार मकान में ना रहे तो मकान तो बाएं बाएं करेगा। तुम मुझ में रहते तो फिर जल्दी से वापस आ जाना,
मुझे खाली मकानों से बहुत डर है। बिल्कुल, क्यों नहीं? एयरपोर्ट करीब आ गया ना? हाँ, जरा जल्दी करना ड्राइवर। हेलो जी जनाब, हुक्म। बिजी तो नहीं हूँ? वेल, अगर बिजी हूँ भी तो तुम्हारी खातिर अपनी तमाम मसरूफियात को खत्म कर दूंगा। सोच लो। सोच लिया। तो फिर आ जाओ। कहाँ? घर। क्या तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। बहुत अरसे बाद ये खूबसूरत तन्हाई मिली है और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी। तन्हाई? जावेद, कम ऑन। ओके। हाय रोहिल, कहाँ तक पहुँचे? चेक इन कर लिया? घर जा रहा हूँ। क्या मतलब, किसके घर? यार वो असल में फ्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए। तो फ्लाइट का क्या होगा? दुबई का मौसम शायद ठीक नहीं था, इस वजह से। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, ठीक है? तो मीटिंग का क्या होगा अब? तो वो भी कैंसिल हो गई ना उसकी वजह से। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं घर में सामान रख कर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ऑलराइट, ओके, बाय। बाय।